तो इसलिए श्रीमती राधा रानी के ही अवतार महाप्रभु की लीला में श्री गदाधर पंडित जी हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। कृष्ण पांच रूप में विलास करते हैं, उसमें से क्या है, कृष्ण, कृष्ण रूप, कृष्ण स्वरूप, भक्त और भक्त शक्ति, ये जो पांच स्वरूप हैं इसमें कृष्ण विलास करते हैं और लीला के लिए इन पांचों का होना ही अत्यंत आवश्यक है। उसमें भी हम लोगों ने श्रवण किया था जो श्रीमद् भागवत में बताया, सांग अंग क्या है, अंग सांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय आसन वर्णास्त्रियो से कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम। क्या बता रहे हैं कि महाप्रभु अपने अंग, अंग कौन है उनके, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु, इनको अंग क्यों बताया, क्योंकि ये विष्णु तत्व हैं। उपांग फिर बताया श्री श्रीवास पंडित जी, और पार्षद में श्री गदाधर इत्यादि भक्त लोग हैं, और जो शक्ति तत्व हैं वो पार्षद में आए। इनके साथ ही जो महाप्रभु हैं वो लीला विलास करते हैं, वही श्री गदाधर पंडित गोस्वामी महाप्रभु की लीला में हैं, वही ब्रज की लीला में श्रीमती राधा रानी हैं, उनका आज आविर्भाव है, इसलिए बड़ी विशेष तिथि है। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी का आविर्भाव बांग्लादेश में हुआ था, चट्टग्राम में, अभी तो बांग्लादेश में है वो स्थान है। उसके पश्चात में 12 वर्ष तक लगभग वहाँ पर रहे थे, उसके पश्चात में नवदीप आ गए थे। बाल्यकाल से ही अत्यंत विरक्त थे विषयों से और कृष्ण भक्ति करते थे। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक बार बोला था कि गदाधर तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी कृष्ण में अनुरक्ति है और विषयों से विरक्ति है, मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया क्योंकि मैंने तो कृष्ण का भजन किया ही नहीं। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित गोस्वामी बाल्यकाल से ही अत्यंत विरक्त थे। जब श्री ईश्वर पुरीपाद नवदीप आए थे उस समय उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, कृष्ण लीलामृत, तो श्री गदाधर पंडित गोस्वामी को अत्यंत शिशु होने पर भी विषयों से विरक्त और कृष्ण में अनुरक्त देख करके उन्होंने अपने ग्रंथ कृष्ण लीलामृत का पाठ कराया था, अध्ययन कराया था, और श्री चैतन्य महाप्रभु को भी उसमें कुछ संशोधन इत्यादि के लिए दिया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्या विलास लीला करते थे उस समय सभी से शास्त्रार्थ करते थे, तर्क करते थे, अपने भक्तों के साथ में भी उनको परास्त करते थे, तो भक्त लोग जो थे वो दूर दूर भागते थे। एक दिन श्री गदाधर पंडित गोस्वामी से महाप्रभु ने पूछा, गदाधर बताओ मुक्ति क्या है, तो गदाधर पंडित ने न्याय शास्त्र के अनुसार मुक्ति की परिभाषा बताई, आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने खंडन कर दिया उसको, कहते नहीं यह मुक्ति नहीं है, मुक्ति है मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत के अनुसार जो मुक्ति की परिभाषा है उसकी स्थापना की जब महाप्रभु ने तो सभी भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। यद्यपि महाप्रभु सबका खंडन करते थे, तर्क वितर्क करते थे, लेकिन इस बार क्या भक्ति की स्थापना किया, इसलिए भक्त लोग सोचने लगे कि अगर ये वैष्णव हो जाते तो बड़ा आनंद होता है, क्योंकि फिर कोई भी पंडित इनके सामने आ नहीं सकता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया गए और गया से लौट करके आए, उनके अंदर में प्रेम के विकार सभी भक्तों ने दर्शन किए। उस समय एक दिन श्री शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में श्री महाप्रभु ने नित्य इत्यादि किया था, तब गदाधर पंडित वहीं पर छुपे हुए देख रहे थे, और महाप्रभु के अंदर प्रेम के विकारों को देख करके गदाधर पंडित गोस्वामी बड़े आनंदित हुए और उनके अंदर भी रोमांचकंप इत्यादि हुआ। तब से फिर महाप्रभु के संग ही रहने लगे, क्योंकि देख लिया अब तो ये परम भक्त हो गए हैं, अभी तो महाप्रभु के विषय में लोगों को पता नहीं कि अभी ये कृष्ण ही है, अभी तो यही समझ रहे हैं कि वे बड़े भक्त हैं। धीरे धीरे महाप्रभु के भाव प्रतिदिन बढ़ने लगे। एक दिन कृष्ण के विरह में महाप्रभु कहने लगे, कहाँ कृष्ण, कहाँ हैं कृष्ण, कहाँ हैं, मैं उनको कहाँ पाऊँगा। तो गदाधर पंडित ने कहा, गदाधर पंडित पास में ही थे, उन्होंने कहा कि कृष्ण तो आपके हृदय में ही है। इतना सुनते ही
महाप्रभु कृष्ण के विरह में अपने हृदय को सीने को ही फाड़ने लग गए। तो सीने को फाड़ने लग गए तो गदाधर पंडित ने किसी प्रकार से उनको शांत किया, उनके आवेश को थोड़ा शांत किया। सची मैया को जब ये पता चला तो उन्होंने गदाधर पंडित को बुलाया और बुला करके कहा, गदाधर तुम सब समय निमाई के साथ ही रहना, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इनको और कोई भी संभाल नहीं सकता, और आज तुमने निमाई की बड़ी रक्षा करी है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता है, तो अपना सीना ही चीर देते। तो इस प्रकार से तब से श्री गदाधर पंडित जी महाप्रभु के नित्य प्रति साथ ही रहने लगे। जितनी भी नवदीप की लीला है, शिवास आंगन की लीला है, चंद्रशेखर भवन में, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के यहाँ, अन्य अन्य जहाँ पर भी काजी दलन के समय, सब जगह पर श्री गदाधर पंडित उनके साथ ही रहते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के सामने बाप रे पुंडीक रे, बाप रे पुंडीक रे, इस प्रकार से कहने लगे। तो भक्त लोग सोचने लगे पता नहीं किसको बुला रहे हैं। वो किसको बुला रहे थे? श्री पुंडरीक विद्यानिधि, जो कि ब्रज की लीला में श्री वृषभानु महाराज हैं, श्रीमती राधा रानी के पिताजी। तो उनका नाम ले लेकर के पुकार रहे थे बाप रे, किंतु भक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो बाद में जब भक्तों को पता चला पुंडरीक विद्यानिधि आए, परम वैष्णव हैं, एक दिन मुकुंद प्रभु ने, क्योंकि मुकुंद दत्त वो भी चट्टग्राम के ही थे, इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा को जानते थे। तो मुकुंद प्रभु गदाधर पंडित जी को साथ ले गए कि चलो मैं आज तुमको एक वैष्णव के दर्शन कराता हूँ। वैष्णव के दर्शन कराने ले गए पुंडरीक विद्यानिधि के घर में, लेकिन बाहर से रूप से देखने पर उनकी अवस्था कैसी थी? बड़ा सुंदर पलंग, उसके ऊपर में एकदम दूध के फेन जैसी सुंदर सफेद चादर, और लंबा हुक्का, सोने का पीकदान, इस प्रकार से बाहर से देखने में एकदम विषयी। तो ये देख करके गदाधर पंडित जी को थोड़ा हृदय में संशय हुआ कि मुकुंद ये कौन से वैष्णव के दर्शन करा करके कराने के लिए लाया है। शास्त्र में बताया ना, वैष्णवेर चिंते पारे ना देवेर शक्ति, वैष्णवों को पहचानने की शक्ति तो देवताओं में भी नहीं है। लोग श्रवण करते हैं श्री बंसीदास बाबा जी महाराज, वो क्या करते थे? अपने कुटिया के चारों ओर मछली के कांटे, अंडे के छिलके, सर मदिरा की बोतल, ये सब आसपास में रख देते थे, और बाहर से लोग आते थे, कहते थे अरे ये तो बड़ा विषयी है, और भीतर में हा गौर हा निताई कह करके भूमि पर लोटपोट होकर के प्रेम में आनंद में मग्न रहते थे। तो वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को केवल बाह्य रूप से देखने पर समझा नहीं जाता, इसलिए दो प्रकार के बताया, एक वैष्णव प्राय, एक विषय प्राय। विषय प्राय कौन होते हैं? जो देखने में विषयी के जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया श्री पुंडरीक विद्यानिधि के बाहर से बड़े विषयी जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन भीतर से परम वैष्णव। और वैष्णव प्राय किसको बताया? जो बाहर से वैष्णव जैसे प्रतीत होते हैं, धोती कुर्ता तिलक कंठी सब लगा रखा है, किंतु भीतर से विषयी हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कही कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो कैसे हैं? विषयी हैं, अर्थात बाहर से तो किंतु वो वैष्णव थे। किंतु यहाँ विशेष बात भी है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उनके जो पिताजी होंगे वो ऐसे विषयी होंगे ऐसा नहीं है। महाप्रभु की लीला में ही बस वो इस प्रकार से अभिनय कर रहे हैं विषयी होने का, किंतु वास्तव में तो वो परम भक्त। तो इस प्रकार से श्री गदाधर पंडित जी के मन में संदेह हुआ। तब मुकुंद ने देख करके कि गदाधर पंडित के मन में संदेह हुआ है, उन्होंने एक श्लोक बोला, अहो बकीय स्तन काल कुटम जिंघास पायत अप्य साध्वी लेवे गतिम धात्रीचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकी, वो बकासुर की बहन बकी पूतना, यम स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट विष लगा करके कृष्ण को जिघांसया अपायत पान कराया। किसके लिए? जिघांसया मतलब मारने के लिए पान कराया। और लेवे गतिम धात्री उचितम, उसको भी कृष्ण ने धात्री उचित गति प्रदान कर दी। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमन, ऐसा बढ़कर के दयालु कोई देखा क्या कि जो हमको व्यक्ति कोई मारने के लिए आया और उसको भी परम संपत्ति प्रदान कर दी। क्योंकि भगवान की परम संपत्ति क्या है? उनका अपना धाम, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को भी, यहाँ तक कि
हम लोग भी कितना भजन साधन कर रहे हैं किंतु फिर भी वो प्राप्त नहीं हो रहा है। और केवल मात्र जो पूतना थी उसने साध्वी का वेश ही बनाया था, उसी से ही कृष्ण ने उसको अपना धाम प्रदान कर दिया। ऐसा कोई दयालु देखा क्या? बस जब ये श्लोक सुना श्री पुंडरीक विद्यानिधि ने तो हा कृष्ण कह करके और भूमि पर गिर के मूर्छित हो गए। तो पुंडरीक विद्यानिधि को जब इस प्रकार का भाव देखा तो गदाधर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैंने तो आज वैष्णव अपराध किया। फिर उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे तो आज वैष्णव अपराध हो गया। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम उनसे ही दीक्षा ले लो, इससे तुम्हारा क्या होगा, अपराध दूर हो जाएगा। क्योंकि सेवा करने से जिन वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है उनकी सेवा करने से ही वो अपराध दूर हो सकता है। तो अगर गुरु बना लेंगे तो नित्य प्रति उनकी सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी तो गुरु जी क्या करेंगे, क्षमा कर देंगे अपराध को। प्रातःकाल भी हम लोग श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु ने अपनी लीला में सर्वत्र ही यह शिक्षा प्रदान की है कि अपराध का जो दंड है वो तो भोगना ही पड़ेगा। सची मैया के माध्यम से भी ये उदाहरण दिया। सची माता कौन है? सची माता स्वयं विशुद्ध सत्व स्वरूप है और स्वयं जो कृष्ण को धारण कर रही, जो महाप्रभु को धारण कर रही है, क्या उनका कोई अपराध संभव है? प्रभु जी सवेरे बता रहे थे ना, अपराध का मूल कारण क्या होता है, अपराध प्रारंभ कहाँ से होते हैं? कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, कृष्ण से बहिर्मुख होकर के जब जीव भोग की इच्छा करता है वहां से अपराध का वो बीज है, वहां से सारे अपराध शुरू होते हैं। तो जो विशुद्ध सत्व है वहां तो ये सब भोग की इच्छा इत्यादि है ही नहीं, वहां तो केवल मात्र कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति ही सब कुछ है, तो वहां तो अपराध होते ही नहीं, फिर अपराध कैसे संभव है? इसलिए महाप्रभु ने यहाँ पर इस प्रकार का लीला अभिनय करके दिखाया अपने परिकरों के माध्यम से। जैसे गदाधर पंडित गोस्वामी स्वयं राधा रानी, क्या उनसे अपराध हो जाएगा? जो सची माता है क्या उनसे अपराध हो जाएगा? कभी संभव ही नहीं है। किंतु महाप्रभु फिर भी लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखो वैष्णव अपराध कितनी बड़ी वस्तु है, कोई भी कितना भी बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको अपराध के लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तो फिर जाकर के पुंडरीक विद्यानिधि से श्री गदाधर पंडित जी ने प्रार्थना की तो उन्होंने फिर उनको दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार से महाप्रभु की जो नवदीप की लीला है वहाँ पर गदाधर पंडित जी ने इस प्रकार की लीला की। एक समय जब महाप्रभु ने नृत्य किया था चंद्रशेखर भवन में, उस समय भी गदाधर पंडित जी ने भी रमा के रूप में रमा के वेश में नृत्य किया था। उसके पश्चात में जब महाप्रभु संन्यास लेकर के आए और संन्यास लेकर के नीलाचल आ गए, तब वहाँ पर क्षेत्र संन्यास ले लिया श्री गदाधर पंडित गोस्वामी। क्षेत्र संन्यास ले लिया, क्षेत्र संन्यास होता है कि उस क्षेत्र के बाहर में कहीं भी नहीं जाएंगे। एक समय महाप्रभु जब वृंदावन जाने वाले थे, उसके पहले लीला हुआ जो गोपीनाथ जी को महाप्रभु ने प्रकट किया। जब श्री गदाधर पंडित जी नीलाचल गए तो वहाँ पर उनको स्थान दिया था, जो स्थान टोटा गोपीनाथ, वहाँ पर महाप्रभु एक दिन उन्होंने वहाँ पर बगीचे के अंदर में प्रवेश किया और प्रवेश करके ऐसे बालू को खुरचने लगे तो वहाँ से गोपीनाथ जी का एक सुंदर विग्रह प्रकट हुआ और फिर वो गोपीनाथ जी की सेवा महाप्रभु ने श्री गदाधर पंडित जी को ही दी। तो गदाधर पंडित गोस्वामी तब से श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते थे और महाप्रभु का नियम था प्रतिदिन गदाधर पंडित जी से भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाते थे, क्योंकि गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी है और उनसे श्रेष्ठ भागवत की महिमा को और कौन जान सकता है। इसलिए महाप्रभु प्रतिदिन भक्तों के साथ में गदाधर पंडित से भागवत कथा सुनने के लिए जाते थे। एक समय जब महाप्रभु वृंदावन की यात्रा करना चाहते थे तो गदाधर पंडित जी ने भी कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगा। महाप्रभु बोले कि ये गोपीनाथ जी की तुम्हारा क्षेत्र संन्यास का क्या होगा? तो गदाधर पंडित बोले प्रभु क्षेत्र संन्यास तो आपके लिए ही लिया था, जब आप ही नहीं हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ क्षेत्र संन्यास से क्या होगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। फिर महाप्रभु बोले तो गोपीनाथ जी की सेवा कौन करेगा? तो गदाधर पंडित बोले कि आपके चरणों के दर्शन से करोड़ों गोपीनाथ की सेवा हो जाएगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पर फिर विशेष विचार भी है कि ठाकुर जी की साक्षात सेवा को छोड़ करके
और महाप्रभु के साथ में जाना चाहते हैं, कह रहे हैं करोड़ों गोपीनाथ की सेवा हो जाएगी। गोपीनाथ जी तो स्वयं कृष्ण ही है, तो कृष्ण की सेवा छोड़ करके फिर महाप्रभु के साथ क्यों जाना चाहते हैं? तो यहाँ पर विचार बताया हमारे गुरुवर्ग ने कि ये राग मार्ग है। यहाँ राग मार्ग में जो प्रीति है उसके लिए कोई नियम इत्यादि नहीं होते। जैसे सेवा ठाकुर जी की सेवा है तो वैधि भक्ति के अंतर्गत आती है। जो क्षेत्र संन्यास है वो भी क्या है, ये भी वैधि भक्ति है। जहाँ विधि है सब, नियम कानून ये सब क्या होता है, विधि होती है। लेकिन कृष्ण के चरण, महाप्रभु के चरणों के प्रति कैसा उनका अनुराग है कि उसके लिए वो कृष्ण की भी सेवा छोड़ सकते हैं, इतना अनुराग यहाँ पर दिखाया। तो ये राग मार्ग का वैशिष्ट्य दिखाया। जैसे उदाहरण देते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्वनियम दशकम में एक प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी अगर कृष्ण हमको द्वारका में बुलाते हैं किंतु द्वारका में राधा जी नहीं है, तो कृष्ण के बुलाने पर भी हम नहीं जाएंगे। अब बताओ, कृष्ण स्वयं जिनके लिए बुलाने पर भी ब्रह्मा शिव इत्यादि उनकी चौखट पे सिर रगड़ते रहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, हम उनके पास जाएंगे नहीं। किंतु अगर राधा जी हमको आदेश प्रदान करती हैं तो हम वहां पर भी चले जाएंगे। और राधा कुंड में जहां पर राधा जी विराजमान है वहां पर हमको चाहे भिक्षा करके खाना पड़े, चाहे झाड़ू लगा करके, यहाँ पर जो ब्रजवासी है उनके झाड़ू भी लगानी क्यों ना पड़े, लेकिन हम यहीं पर वास करेंगे जहां पर हमारी स्वामी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी। अपना परिचय देते हुए भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बता रहे, ये राग मार्ग का भजन। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या बताया, मदीशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज वनेश्वरी मन नाथत्व, कि कृष्ण कौन है, हमारे नाथ नहीं है। इस दृष्टि से हमारा कृष्ण से प्रेम नहीं है कि वो कृष्ण भगवान है, नहीं। मद ईशा नाथत्व कृष्ण है, हमारी जो ईशा है, जो हमारी आराध्या है श्रीमती राधा रानी, उनके नाथ है, इसलिए हमको अत्यंत प्रिय है। और हमारी नाथ कौन है, श्रीमती राधा रानी ही हमारी नाथ है। तो इस प्रकार का जो भाव है, जहां पर कि और भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी प्रार्थना में बताया कि पदाब जो तो बिना बरदास में नान्यत कदापि समय के लिए देव देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्त नमोस्त नित्यम दास्याय ते मम रसोस्त रसोस्त सत्यम, कि श्रीमती राधा रानी ही अगर हमको अपनी सखी का भी भाव प्रदान करना चाहती हैं तो हम उसको भी बार दूर से बार बार प्रणाम करते हैं। ये राग मार्ग का भजन है, ये अपने इष्ट के प्रति निष्ठा है। हमको क्या चाहिए, केवल मात्र उनकी दासी दासी और दासी का ही भाव चाहिए। इसीलिए एक और हम लोग जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला सुनते हैं, जहाँ पर कि एक ब्रजवासी सखी स्थली से बड़े दोने के पत्ते में और वो छाछ लेकर के आ गया, तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने डंडा उठा करके उसको मारने के लिए भागे। क्या कोई समझ सकता है इस बात को, केवल जो राग मार्ग से जो भजन करते हैं वही इस राग मार्ग की महिमा को और उसकी इष्ट के प्रति निष्ठा को समझ सकते। उसी प्रकार की निष्ठा यहाँ पर श्रीमद श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्री महाप्रभु के चरणों के प्रति प्रकाशित कर रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों में मेरा इतना अनुराग है कि मैं कोटि कोटि गोपीनाथ की सेवा भी छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए इसको तत्व विचार से नहीं समझ सकते हम, इसको रस विचार से ही समझना पड़ेगा। जहाँ पर राग मार्ग का भजन है, जहाँ पर इष्ट के प्रति इस प्रकार की निष्ठा होती है, तो फिर महाप्रभु ने कुछ नहीं बोले। महाप्रभु के साथ में श्री गदाधर पंडित जी फिर चलने लगे, कटक तक पहुँचे। कटक में पहुँचने के पश्चात में महाप्रभु ने पूछा, गदाधर एक बात बताओ, तुम अपना सुख चाहते हो कि मेरा सुख चाहते हो? तो गदाधर बोले कि प्रभु मैं तो आपका ही सुख चाहता हूँ। तो महाप्रभु बोले कि गदाधर मेरा सुख इसी में है कि तुम यहीं पर रहो, नीलाचल में ही रहो, मेरे साथ मत जाओ। यह सुनते ही बस गदाधर पंडित मूर्छित हो गए। और फिर महाप्रभु ने अन्य भक्तों को सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि को सबको बोल करके कि गदाधर को वापस ले जाओ, उनको समझाओ बुझाओ, समझा बुझा करके किसी प्रकार से गदाधर पंडित जी को फिर वापस नीलाचल लेकर के आए। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित गोस्वामी की महाप्रभु के चरणों के प्रति अद्भुत निष्ठा यहाँ पर प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त जब श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, उन्होंने अप्रकट लीला की, उसके पश्चात में तो गदाधर पंडित गोस्वामी का प्राण धारण करना ही बड़ा मुश्किल हो गया। उसमें वर्णन आता है कि
इतनी लंबी लंबी और ऐसी गरम गरम सांस छोड़ते हैं गदाधर पंडित, सब कुछ उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन क्या हुआ कि बहुत ही कमज़ोर हो गए। एक दिन गोपीनाथ जी का जो विग्रह है उसको ठाकुर जी को माला पहनाने के लिए खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतने दुर्बल हो गए थे। तब ठाकुर जी स्वयं ही गदाधर पंडित जी के लिए बैठ गए। यहाँ पर ये श्रील गुरुदेव ने ये विचार बताया कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनके गदाधर पंडित जी के सेवक थे उनके लिए महाप्रभु वो कृष्ण बैठ गए गोपीनाथ जी, तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, ये कभी संभव नहीं है। केवल मात्र कृष्ण राधा जी के लिए ही बैठ सकते हैं। तो इसलिए वो जो गदाधर पंडित जी जो ठाकुर जी की सेवा करने में उनको असुविधा हो रही थी, स्वास्थ्य खराब हो गया था क्योंकि विरह में दिन रात व्याकुल रहते थे, इसी कारण से गोपीनाथ जी बैठ गए। एक बार से नित्यानंद प्रभु भी वहाँ पर आए थे, जगन्नाथपुरी गए थे और यहाँ से नवदीप से जो छोटा छोटा महीन महीन चावल लेकर के गए थे तो गदाधर पंडित जी को दिया। गदाधर पंडित जी ने उनको भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कहा तो गदाधर पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि महाप्रभु भी अभी प्रसाद पाएंगे। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को और महाप्रभु को और सभी भक्तों को बिठा करके प्रसाद परिवेषण किया, जैसे कि श्रीमती राधा रानी यहाँ पर करती हैं, नंदगांव में आकर के प्रसाद बनाती हैं और प्रसाद बना करके कृष्ण को, बलदेव प्रभु को और अन्य अन्य सखाओं को परिवेषण करती हैं। तो इस प्रकार से श्री गदाधर पंडित जी की यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं। उसके पश्चात में जो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब श्री वल्लभाचार्य जी जब जगन्नाथपुरी गए थे उस समय उन्होंने अपना जो टीका लिखी थी वो महाप्रभु को सुनाया, तो उन्होंने श्रीधर स्वामीपाद जी की टीका में कुछ दोष बताया। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने श्रीधर स्वामीपाद जी की जो महिमा है उसको स्थापित किया कि जो श्रीधर स्वामीपाद को नहीं मानता है वो वैश्या के समान, और वल्लभाचार्य की टीका में ही उन्होंने बहुत सारी त्रुटियां निकाली। इसके पश्चात में वल्लभाचार्य जी की उन्होंने उपेक्षा भी कर दी। तो वल्लभाचार्य जी ने देखा कि गदाधर पंडित जी ये महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं, इनका संग करूंगा तो शायद महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। तो इसलिए वल्लभाचार्य जी गदाधर पंडित जी के साथ में रहने लगे, उनका संग करने लगे। तो महाप्रभु ने यह देख करके गदाधर पंडित की भी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। जब गदाधर पंडित ने देखा तो बड़े दुखी हो गए और एक दिन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के क्षमा याचना करने लगे। तो महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट होकर के बोले, कहते गदाधर तुम्हारी सरलता ने तो मुझे खरीद लिया है। और वहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी बताते हैं कि गदाधर पंडित कौन है जिनके लिए महाप्रभु को क्या कहते हैं, गदाधर प्राणनाथ गदाई गौरांग। महाप्रभु की दो प्रकार से अर्चन होता है, एक विधि मार्ग से एक राग मार्ग से। तो विधि मार्ग में जो अर्चन होता है महाप्रभु का जो सेवा होती है वो श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ में, महाप्रभु और विष्णु प्रिया देवी के साथ, लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया देवी महाप्रभु। और जो राग मार्ग से जो महाप्रभु की सेवा होती है वो श्री गदाधर पंडित जी के साथ में और महाप्रभु की सेवा होती है। तो इस प्रकार से महाप्रभु के इतने प्रिय थे कि जिनके लिए बताया श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं गदाधर प्राणनाथ और गदाई गौरांग, महाप्रभु को इसी नाम से ही भक्त लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी की इतनी सारी लीलाएं हैं। और उसके पश्चात में केवल श्रीनिवास आचार्य जी को दर्शन देने के लिए ही गदाधर पंडित गोस्वामी वहाँ पर प्रकट रहे। 11 महीने तक लगभग वो प्रकट रहे, उसके पश्चात में उन्होंने भी अप्रकट लीला कर दी। बोलो श्री गदाधर पंडित गोस्वामी की जय। तदीशुभ आविर्भाव तिथि की जय। गौर प्रेमानंदे। अब बोलोगे 6:30 बोलोगे हमारे इस पर, तुम आ जाओ इधर आ जाओ, थोड़ा बोल दो फिर मैं लास्ट में छोड़ दूँ। 6:30 हो गए, आ जाओ थोड़ी सी बोलो, प्रमाण तो बोलोगे। हाँ आ जाओ आ जाओ।
बड़ा फटाफट ठंडा हो रहा है। आदि केशव कहाँ गया? केशव आदि केशव अरुदे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करूँ और वैष्णव वैष्णी चौके चरणों में दंडवत प्रणाम करूँ। तो उद्धव जी का चरित्र बोल दी गुरुदेव है उद्धव जी का चरित्र उद्धव और गोपी का संबंध में कुछ बोलेंगे। भगवान कंस का वध करके और उद्धव जी के पास रहने लगे। उद्धव जी कौन है? अंतरंग सका। अंतरंग कैसे? जैसे अंदर की बात समझे। अंतरंग सका, चलने में खाने पीने में भगवान जैसे ही थे उद्धव जी, लेकिन उद्धव जी ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं समझते थे, ज्ञान को मानते थे उद्धव, लेकिन ज्ञान से ऊपर भी कुछ चीज है, वो क्या? प्रेम। तो भगवान प्रेम तत्व को उनको देना चाहते थे उद्धव जी को। तो एक दिन भगवान ने अपने कमरे की खिड़की खोली, तो जैसे कोई घर पे हम चढ़ते मकान में देखते हैं ऊपर तो बहुत बड़ा शहर दिख जाता है, किसी शहर में जाएंगे तो छत पे नहीं दिखता, दर्शन होते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी को मथुरा से वृंदावन के दर्शन हुए, जमुना जी के दर्शन हुए, तो भगवान को ऐसी लगे रे मदमंगल सुबल सका सीधा, अरे इसी टाइम में गौचारण करके वापसी जाता था मैं घर को, तो थोड़ी सी देर हो जाती, जसोदा मैया मेरे को हृदय से लगा के कैसी रोती थी, आज मैं कब से ना आऊं जसोदा मैया कैसे रोती होगी। भगवान रोने लगे तो उद्धव जी भाग करके आए। उद्धव जी ने भगवान को हृदय से लगा लिया, आप तो ये रोने धोने से परे हो, आप क्यों रो रहे हो? उद्धव जी आज ब्रजवासी ब्रज की मेरे को बहुत याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? वो जसोदा मैया को मैंने कितना कष्ट दिया, जसोदा मैया ने मैं उंगली पकड़ के चन्ना सकाया, वो भोली भाली ब्रज गोपियों को कितना मैंने कष्ट दिया, उनके घर में मक्खन चुराता था मटकी फोड़ता था, मेरी जसोदा मैया कहती थी अरे वो गरीब हैं, वो दही मक्खन बेच करके पैसा लाती हैं उससे भोजन करती हैं, तो उनका दही इनको चुराता है, उस दिन भूखे रह जाते हैं। उस दिन मैं उनके पास नहीं गया, 5-7 दिन में गया नहीं उनके पास में, सब गोपी मेरे पास खिट्टी आ गई घर पे ही, अरे जसोदा मैया ये तेरा ही लाला है क्या, हमारा कुछ नहीं है, अरे मटकी फोड़ता है तो फोड़ने दे, मक्खन खाता है तो खाने दे, अरे भूखे तो हम इस दिन रह जाएंगे जिस दिन हमारे घर नहीं जाएगा। ऐसे करके भगवान रो रहे हैं, उद्धव जी को बता रहे हैं। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि जब ऐसी बात थी तो आप समझा सकते उनको प्रेम से ज्ञान मार्ग से, कि उद्धव मेरी बात नहीं मानते हो, नहीं समझते। अब उद्धव जी को देना चाह रहे हैं ना, वो ज्ञान से ऊपर को जानते ही नहीं थे, लेकिन ज्ञान से ऊपर भी है क्या? प्रेम। प्रेम ही जगत का सार है कि नहीं है? प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं भाई, ये ब्रज की भक्ति है ना, ये प्रेमा भक्ति है, रसमय भक्ति है। जब भक्त है ना संत, जब भजन करते रहते हैं भगवान की चिंतन लीला कथा में आनंद रहते हैं, है? प्रेमा भक्ति है। क्यों? ये सुना है ना, जैसे भगवान ने कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने किनको सुनाई? वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाई ना, कथा की बड़ी महिमा है। तो अब उद्धव जी प्रेम से ऊपर कुछ नहीं जानते थे, तो उद्धव जी तैयार हो गए कि मैं जाता हूँ, मैं समझाऊंगा उनको ज्ञान मार्ग से, आप क्यों रोते हो, क्यों रोना धोना करते हो, अरे ज्ञान मार्ग पे आओ, सुखी हो जाओगे, सुखी मैं कर दूंगा। तो भगवान बोले ठीक है उद्धव जी आप जाओ। तो भगवान ने सबका बता दिया है, नंद बाबा से मिलना, नंद बाबा की ऐसी हुलिया है, जसोदा मैया से मिलना, गोपियों से मिलना, राधा रानी से मिलना, चारों को बता दी। लेकिन भगवान ने कि मेरे कुंडल ले लो, मेरा मुकुट, मेरा पीतंबर, अरे कि इन सबकी क्या जरूरत है, अरे कि इनको पहन के नहीं जाएंगे ना तो देखने की तो क्या तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, वो देखेंगे भी नहीं। तो उद्धव जी उनको मुकुट पहन के
ये तंबर लेकर के भगवान जा रहे हैं, सोने का रथ लेकर के जा रहे हैं, इसको लेकर के जाओ। उद्धव जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं, यशोदा मैया से क्या कहना है, नंद बाबा से क्या कहना है, गोपियों से क्या कहना है, राधा रानी से क्या कहना है। अब बाप ब्रजमंडल में तो पूरा ही भगवान आए तो शमशान घाट बन गया पूरा ही। अब ग्वाल वाल है क्या जो सुबह लेकर जैसे रास्ते में आ जाए जंगल में आकर के बैठ जाए। तो जंगल में आ जाए बैठ जाए, कन्हैया आ रहा होगा मथुरा से आएगा, परसों की कह के गया है आएगा, फिर शाम को फिर वापसी हो जाते हैं ग्वाल वाल। अब उद्धव जी जैसे ही ब्रज में पहुंचे तो गोपी को पूछ रहे हैं, नंद बाबा के घर जाना है। गोपी कह रही है मथुरा से आए आप, आपको कैसे पता कि ब्रज में तो सबको पता है नंद बाबा के घर की। मथुरा वाले पूछते हैं कि हाँ मथुरा से आए, अब क्या लेने आए हो, सब कुछ तो ले गए यहाँ से, नंद बाबा के घर जाएंगे ना, जो जो जल आ रहा है ना देख रहे हैं जल, यहाँ ये जल रुकेगा वही नंद बाबा का घर है। और इस जल को साधारण मन समझ रहा आप, ये जसोदा मैया नंद बाबा का आंखों का जल है ये। उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी ने गेट खटखटाया, नंद बाबा, नंद बाबा आए। नंद बाबा आकर के उद्धव जी से कहा, आप कहाँ से आए, मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का सखा हूँ उद्धव। अंदर ले गए नंद बाबा, नंद भगवान की बैठो, मैं भोजन लाता हूँ बाहर से, घर में नहीं है। नंद बाबा बाहर गए, बाहर से भोजन लाए, भोजन कराया है। उद्धव जी ने देखा तो घर में रसोई नहीं बनी, रसोई में जाला छा गया है, साफ सफाई नहीं भई। जसोदा मैया को देख रहे हैं तो जसोदा मैया कह रही है धीरे बोलो धीरे, मेरा कन्हैया सो रहा है, जग जाएगा। ऐसी भ्रह में तो नंद बाबा बोले कैसे हमारा कन्हैया ठीक है। हाँ का ठीक है, आप जिसको तुम समझ रहे हो कि मेरा बेटा है, रोना धोना कर रहे हो, तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो विष्णु का अवतार है। नंद बाबा बोले कि आप क्या कह रहे हो, उसमें भगवान का एक भी गुण नहीं है, तो मैंने देखा है भगवान ऐसा होता है कोई, सबका पालन पोषण करता है, सबकी रक्षा करता है। उसको भूख लगती थी रोता था, सारे काम बंद करो मेरे को दूध दो मेरे को दही दो, रोता था। भगवान ऐसा होता है कोई, भगवान का एक भी गुण नहीं है। और ये सब कह करके कहा मेरी भय और वेदना कम कर दोगे क्या, वो भगवान एक भी गुण नहीं है उसके अंदर भगवान का। तो भैया बोलो सर, तो एक भी गुण नहीं है। तो अब दुनिया तो जो अपने बेटे छोड़ करके चले जाते हैं तो दुनिया किसके विसर जीती है, भगवान के विसर जीती है। दुनिया के बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं तो मैंने तो मन को समझा लिया था कि भाई दुनिया के बच्चे छोड़ जाते हैं, सबका पालन पोषण भगवान करता है, भगवान के विसर जीते हैं। लेकिन आपने मेरे से कह करके क्या कह दिया कि वो तो भगवान है, अब तो मेरे को भगवान ही छोड़ के चले गए, अब मैं कैसे जीऊंगा। अब कहां तो उद्धव जी उनको ज्ञान देने के लिए आए, अब कोई समाधान नहीं हुआ। आगे कथा फिर सुना, कल फटाफट बोलो बोलो आज ओम अज्ञान्ति मिरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानवायपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्णेतन नामने गौरतुषे नमः। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतत शिशु में भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत अपने समस्त रूपानु गुरुवर्गो के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरे यथोयोग्य प्रणाम। तो जैसे कि हम पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की महिमा का हम क्या कर रहे हैं, तो हम पिछले कई दिनों से भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग में भागवत में एक वो आती है कि जब परीक्षित महाराज विश्व विजय करने के लिए विश्व विजय कर रहे थे, तो उन्होंने एक रास्ते में देखा, मार्ग में देखा कि एक बैल जो कि एक पैर पे खड़ा हुआ है और एक उसके पास क्या है, गाय क्या है, क्या कर रही है, गाय क्रंदन कर रही है, और एक शूद्र जो कि एक राजवेश को क्या हुआ है, धारण किए हुए है, और उस गाय के उस जो बैल के ऊपर क्या है, जो कि वो एक पैर के ऊपर खड़ा है, उसके ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहा है। जो एक पैर के ऊपर खड़ा है उसे भी क्या कर रहा है, उसे भी भंग करने की कोशिश कर रहा है। तो जब परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसा ही कौन व्यक्ति है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये ऐसा इतना निकृष्ट काम कर रहा है, तो वो उसके पास गए। तो अब अपनी खड़क से निकाली तलवार और बोला कि तू कौन है। तो जब उससे पूछा भाई तू कौन है, तो फिर जो वेशधारी था, जो राजवेश को धारण किए हुए था, ये कौन था, ये साक्षात कली था। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि ये कौन है, अर्जुन के वंशज है, और अर्जुन के जो वंशज होते हैं, अर्जुन का जो वो है परंपरा, उनकी विशेषता क्या है कि अगर कोई उनके शरणागत हो जाए, ये क्या है, शरणागत वत्सल, उसे क्या करते हैं, अभेदान दे देते हैं, उसके फिर क्या है, उसके फिर प्राणों की रक्षा करते हैं, प्राण नहीं लेते हैं। तो इसने देखा कि मैं तो इस समय क्या हूँ, कमजोर हूँ, अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो उसने क्या किया, तुरंत उनके शरणागत हो गया। तो फिर जो बैल खड़े थे, बैल से पूछा कि तुम कौन हो, और जो ये तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। तो बैल ने कुछ नहीं बोला, तो और बैल ने बस केवल यही बोला कि जो ये अत्याचार कर रहा है, इसका जो कारण है वो मैं हूँ, मेरे ही दोषों के कारण ये सब हो रहा है। तो जब ये बात सुनी परीक्षित महाराज ने, तो वे इस बात को सुनते ही समझ गए कि ऐसी बात धर्म के सिवा और कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि आजकल तो क्या होता है, हमारे पर छोटा मोटा कुछ भी कष्ट हो, हम क्या बोलते हैं कि हमें जो कष्ट है उसने दिया है, पर हम ये नहीं देखते कि पूर्व जन्म ने हमने किसी को ऐसा कष्ट दिया, इस कारण इस जन्म में हमें वो उसी प्रकार से कष्ट दे रहा है। तो ये बात जब सुनी तो वे समझ गए ये कौन है, ये साक्षात धर्म का स्वरूप है। तो फिर परीक्षित महाराज ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, तुम्हारा मेरे राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो धर्म है सतयुग में जो है, धर्म के क्या है, चार चरण हैं, तप, सोच, दया और सत्य। और इस जो कली है, इसने क्या किया, उस बैल जो धर्म स्वरूप जो बैल है, उसके तीन चरणों क्या करा, संपूर्ण रूप से भंग कर दिया, और एक जिस पे वो खड़ा हुआ है उसे भी क्या क्या कर रहा है, भंग करने की चेष्टा कर रहा है। तो जब उससे ये पूछा कि भाई तू इसके ऊपर इतना अत्याचार वगैरह, ये सब पूछने के बाद परीक्षित महाराज ने बोला कि तू अब क्या कर, इस राज्य से निकल जा। तो जब ये बात तो कली ने सुनी, तो उसने बोला कि जो है कि आप जो है मुझे निकालने की बात कर रहे हैं, किंतु मुझे भी तो कहीं स्थान चाहिए ना, मुझे किसी चीज़ के लिए स्थान दीजिए आप। तो जैसे बोला, तो परीक्षित महाराज ने बोला कि तुम एक काम करो, जहाँ पे नशा इत्यादि द्युतम पानम, जहाँ पे शराब इत्यादि का सेवन होता है, जुआ जहाँ पे खेला जाता है, जहाँ पे परिस्त्री पुरुष संघ होता है, और जहाँ पे सूना, जहाँ पे क्या होता है कि पशु हत्या होती है, जो पशु का वध होता है, तुम क्या करो, उस स्थान पे जाओ। तो इसी दौरान जब उसने स्थान मांगा कलियुग ने,
तो फिर स्थान मांगते समय तो फिर ये भी बोला कि कलिग ने कि देखो ये जो पहले पहले जो ये युग थे एक अपनी एक विशेषता थी, पर मेरी अगर आप विशेषता सुनोगे तो आप क्या करोगे तो आप आश्चर्य में रह जाओगे। क्यों? क्योंकि जो पहले के अगर आप देखा जाए कि सतयुग में क्या था कि जो लोगों की आयु कितनी थी 1,00,000 वर्ष, और जैसा हमने सुना है जैसे जो हिरण्यकश्यप है इसने 60,000 वर्ष पैर के अंगुष्ठ पे और हाथ दोनों बाहु ऊपर करके क्या किया 60,000 वर्ष तक क्या किया तपस्या की। अब जो द्वापर जो थे त्रेता युग आया उसमें क्या करते थे लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, और उन चीज़ों के लिए भी क्या है हर चीज़ का शुद्ध होना चाहिए, घी शुद्ध होना चाहिए, सामग्री शुद्ध, ब्राह्मण भी शुद्ध होना चाहिए। किंतु अब जो उस समय जो मनुष्य की जो आयु होती है वो कितनी है 1,000 वर्ष, किंतु जो द्वापर 10,000 वर्ष, और जो द्वापर युग है द्वापर युग में क्या है द्वापर का जो युग धर्म है वो क्या है जो बड़े बड़े मंदिरों का क्या करना उन्हें प्रतिष्ठा करा के उनकी सेवा इत्यादि करना, और उस समय की आयु होती थी 1,000 वर्ष। किंतु कलयुग की विशेषता क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेरनर उतर ही पारा, कि जब ये बात बोली कि कलयुग में भगवान के नाम मात्र से क्या होगा जीव मात्र का कल्याण हो जाएगा, ना उसे कोई तप करने की आवश्यकता है, ना उसे किसी प्रकार यज्ञ करने की आवश्यकता है, या ना उसे बड़े बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, सब कुछ क्या है हरि नाम के अंदर विद्यमान है। और इसी का कलयुग क्या है ये धन्य कलयुग है, इसी कलयुग के अंदर कौन आएंगे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो जब उसने देखा कि इस जो कली का वध करना उचित नहीं है और इसे क्या है इसे जीवन दान देना ही क्या है उचित है, तो फिर जब ये बात सुनी तो फिर कली ने बोला कि आपने अपनी इच्छा से तो मुझे चार स्थान दे दिए, पर अभी आप मेरी भी तो इच्छा से एक स्थान दीजिए। तो बोला बोलो तुम्हें किस चीज़ में स्थान चाहिए, बोले मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए, स्वर्ण अर्थात सोना पैसा, कि जो अवैध रूप से जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करके झूठ कपट इत्यादि से जो पैसा कमाया जाता है उसके अंदर क्या है कली का वास है। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंशा कल देश कृपा सिंधु देव पति का नाम पावन वैष्णव और हरि बोला ओम ज्ञान तिमिरामुदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री परीक्षित महाराज को श्रृंगेरी ऋषि ने अभिशाप दी, तो उन्होंने गंगा को उन्होंने आश्रय लिया, शुकर ताल में गंगा को आश्रय लिया। बोले क्यों? बोले जो गंगा है ये अत्यंत पवित्र है, और गंगा भगवान की चरणामृत, और भगवान का चरणामृत और भगवान की चरण में कोई तफात नहीं, वो एक ही है। मानो उन्होंने ठाकुर जी के चरणों को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया,
जब आश्रय ग्रहण किया, हम लोग कल गत श्रवण कर रहे थे, पहले कोई टेलीग्राफ टेलीफोन नहीं होता था, लेकिन ऋषियों को पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था, इसलिए उनको पता चला यहाँ पर अभी श्री स्वामी आएंगे, परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे, वहाँ पर 88,000 ऋषि लोग वहाँ पर सबके सब वहाँ पर उपस्थित हुए। जब 88,000 लोग उपस्थित हुए, परीक्षित महाराज ने देखा ये तो मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, ये तो वरदान है, क्योंकि जीवन में एक सत्पुरुष एक साधु दर्शन कितना भाग्य से होता है, लेकिन यहाँ देखो 88,000 ऋषि लोग यहाँ पर हैं, 88,000 ऋषि लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, ये तो मेरे कितने सौभाग्य की बात है। तब यहाँ पर अभी प्रश्न होता है, क्या ये ऋषि लोग परीक्षित महाराज को ऊपर में कृपा करने के लिए आए थे, ना परीक्षित महाराज इनको पर कृपा करना चाहते। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, वहाँ पर जो 88,000 ऋषि लोग उपस्थित हुए थे, ये परीक्षित महाराज को दर्शन करने के लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज ये कृष्ण की ये वंशज है, गर्भ में जो भगवत दर्शन किया, ठाकुर जी की गोद में जो लालित पालित हुए हैं, इसलिए ये सबके सब परीक्षित महाराज को दर्शन करने के लिए आए थे, परीक्षित महाराज को दर्शन देने के लिए नहीं। लेकिन साधुओं का क्या स्वभाव है, साधुओं का स्वभाव त्रिनादपि सुनिचेना तररपि सहिष्णुना अमानी नांग मान देना कीर्तनीय सदाई। लेकिन यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज ने बोले कि आज हमारे तो भाग्य जग गया, इसलिए उन्होंने जितने वहाँ ब्राह्मण और साधु थे सबको उन्होंने दर्शन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, सबकी चरण में उन्होंने यही प्रार्थना किया, मेरे ऊपर में ये कृपा कर जैसे कृष्ण के चरण में हमें रति मिले, हैं जीवन में जैसे हमें साधु संग मिले। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, कहते सबसे हमें भगवत भक्ति प्रार्थना कर लेनी चाहिए, हैं सबसे हमें प्रभु की प्रेम मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण देकर कहते हैं, बोले ब्राह्मण सकल करी कृपा मोर प्रति, वैष्णव चरण मोर देह दृढ़ मति। सब ब्राह्मण के चरण में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हमें यही आशीर्वाद करो जैसे वैष्णव के चरण में मेरी दृढ़ मति हो। इसलिए हम कहते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुण्यंग बतांगरा जिन विश्वास नहीं बजाए थे। इसलिए काम पुण्यवान व्यक्तियों का ये चार ही वस्तु में इनको विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं जैसे वैष्णव और भक्तों के चरण में जैसे हमारी दृढ़ मति रहे। यहाँ पर उदाहरण देकर कहते हैं, हाँ कहते जैसे ब्रज गोपियाँ जैसे कात्यायनी की पूजा की, कात्यायनी पूजा में क्या कहती हैं, बोले कात्यायनी महामाए महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कहते हे महामाई हे महायोगिन हे महाधीश्वरी, अगर आप हमारे ऊपर में कृपा करना चाहते हो, नंद के लाला जो कृष्ण हैं जैसे ये हमारी पति हो जाए, हैं इसलिए उनके चरण में उन्होंने भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति को ये प्रार्थना करते हैं। इसलिए जैसे श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पर कहते ना, श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेशहरम देवम वृंदारण्यमृति प्रदम वृंदावन बनिपते जय सोम सोम मौले सनातन सनंदन नारदेठ गोपीश्वर ब्रज विलास जुगांग्री पद में प्रेम प्रज छनित राम निरुपाधिकाम। जैसे ये प्रार्थना में कहते हैं सनातन गोस्वामी, क्या कहते हैं, कहते श्रीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम, ये शंकर जी कौन, बोले करुणामय हैं, सर्व क्लेश हरम देवम समस्त दुखों को ये हरण करने वाले, वृंदारण्य रन्नम रति प्रदम वृंदावन में ये रति प्रदान करे, जिनको सनक सनातन आदि जिनको नारद आदि का जो इड्य है
इसलिए हे गोपीश्वर महादेव ब्रज विलास जुगांगरी प्रदे प्रेम प्रजत नितराम निरुपाधिगामी। हमें जब ब्रज विलास जी राधा कृष्ण के चरण में हमें अहितुक हमें प्रेम प्रदान करो, जैसे उनके चरण में ये प्रेम की प्रार्थना करती हैं। इसलिए यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं, जितने ब्राह्मण हैं जितने वैष्णव है उनकी चरण में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कहते इनके चरण में भगवान की भक्ति प्रार्थना करती हैं। इसलिए शंकर जी से देखो तो भक्ति प्रार्थना करो, जैसे गोपियाँ जैसे देवी को पूजा किया तो उनको चरण में क्या प्रार्थना की, जैसे कृष्ण जैसे हमारी पति बन जाए। इसलिए कहते मत जन्मनम फलम इदम मधुकैट भारी, उसके बाद में मत प्रार्थनीय हाँ त्वदृत त्वदृत भृत भृत स्मर लोकनाथ। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है अगर तुम्हारी भृत्यों का भृत्यों का भृत्यों का भृत्य हमें हे लोकनाथ हमें यही चिंतन करो। इसलिए यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज कहते सब वैष्णव के चरण में प्रार्थना करते हैं हमें यही कृपा करो, जैसे ठाकुर जी के चरण में हमें प्रेम और भक्ति भक्ति प्राप्त हो। इसलिए लेकिन यहाँ पर जो साधु लोग यहाँ पर और एक भावना देते हैं, वहाँ पर सब के सब वहाँ पर साधु लोग 88,000 ऋषि लोग आए थे। जब 88,000 ऋषि लोग आए थे कहते ये साधु लोग फिर क्यों आते हैं, कहते महान तो स्वभाव ही तारित पामर निज कार्य नहीं तब जान पर गए। इसलिए जो महंत लोग जो साधु लोग आते हैं कहते अपना काम नहीं किसलिए जाते हैं, कहते निज कार्य नहीं तब जान तार घर, कहते वो अपना स्वार्थ के लिए नहीं आते हैं और दूसरों को कल्याण के लिए ही। यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं आप लोग तो मेरे ऊपर में सबके सब कृपा करने के लिए ही यहाँ पर आए हो, इसलिए क्या करनी चाहिए, कहते प्रभुर आज्ञाएं प्रभुर आदेश भाई मागी ए भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इसलिए भक्तों से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण और कर कृष्ण शिक्षा। कहते तीन चीज हमें भिक्षा करनी चाहिए, बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो कृष्ण ही भजन करो, और शिक्षा प्राप्त करना तो कृष्ण भक्ति ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। इसलिए कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, हमें क्या करनी चाहिए, किसकी संसार करनी चाहिए, हमें कृष्ण की संसार करनी चाहिए, भगवान की संसार करनी चाहिए। जैसे ये मंदिर किसका संसार है, ये किसका संसार है, मंदिर कृष्ण का ही संसार है। सवेरे उठते ही ठाकुर जी की आरती होगी, जल्दी जल्दी उठो। हाँ यहाँ पर कितना बजे बेल पड़ जाती है, 3:30 बजे ना, 3:45 बजे, फिर 3:45 बजे। हाँ बेल कौन देता है, किशोरी महाप्रभु जी, बहुत अच्छी बात है, किशोरी महाप्रभु की जय। इसलिए वो पहले बेल लगा देते हैं, क्योंकि एक बार बेल लग गया, लेकिन कभी कभी भक्त लोग अरे अभी तो समय नहीं रहा, थोड़ा सो जाओ, अभी समय है थोड़ी सो जाओ, फिर जब 4 बज जाती हैं फिर ठंड 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 उठ जाओ, हाँ समय हो गया, स्नान करना पड़ेगा, तिलक करना पड़ेगा, इसलिए उठ जाओ सबके जाओ। हर सब लोग भक्त लोग उठकर तिलक हैं, तिलक कोई हानि कर ले तिलक कर, लेकिन कुछ कुछ तो भक्त थे मंदिर में हैं 3 बजे उठ जाते हैं और आरती होने से पहले कुछ माला कर लेते हैं। हाँ परमानंद प्रभु तो 2 बजे, हाँ हमारे परमानंद प्रभु रात को 2:30 बजे स्नान ध्यान करके 2:30 बजे यहाँ से परिक्रमा चले जाते और आरती होने से पहले, हाँ तभी तो इतना बढ़िया कथा बोल रहे थे, हाँ इतना बढ़िया कथा बोल रहे थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो जो संसार है, हाँ कहते ये किसका संसार है, बोले कृष्ण रे संसार, जिसमें सब कुछ जो कुछ हम करते हैं कृष्ण को केंद्र करके हम सब कुछ करते हैं। इसलिए पितामह ब्रह्मा कहते हैं कब तक ये माया है, कहते ये कब तक ये संसार माया है, बोले प्रभु तब तक माया है जब 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 तक ती जीव तुम्हारी चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं कर देता है,
तुम्हारा बोल करके नहीं बोल तब तक माया है, लेकिन जब भगवान के लिए करते वो माया नहीं, ये तो भगवान की भक्ति है। इसलिए कहते कृष्ण संसार करो, लेकिन कौन सा संसार करनी चाहिए हमें, कृष्ण की संसार करनी चाहिए। जैसे दिन रात रसोई बनाओ तो कृष्ण के लिए, और आज गोल गोपे भी बना दिए, किसने बनाए गोल गोपे, किसने बनाए, कौन कौन बनाए, हाँ गोल गोपे बना दिया सबको, आज गोल गोपे खिला दिया हाँ? और भी बच्चा हुआ सबके सब खा कर जल रहा। इसलिए कहते कृष्ण रे संसार करो, छाड़ी अनाचार, सारे अनाचार को छोड़ करके किसका संसार करना पड़ेगा, हमें कृष्ण का संसार करना पड़ेगा, लेकिन सारे अनाचार को छोड़ना पड़ेगा। अनाचार चार चीज बताए ना, जुआ नहीं खेलना, किसी तरह का नस्ली वस्तु ग्रहण नहीं करना, अवैध रूप में पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष से नहीं मिलना, और जीव हिंसा को छोड़ना। कहते ये चीज को, अनिति को छोड़ करके क्या करना पड़ेगा हमें, कृष्ण का संसार, हम तभी ये कृष्ण का संसार होगा, नहीं तो कृष्ण का संसार ये नहीं होगा। इसलिए कहते कृष्ण रे संसार करो, छाड़ी अनाचार, अनाचार छोड़ करके वो क्या है, बोले जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कहते जीवों को पर कृपा तो करो, लेकिन कैसे कृपा करो, बोले कृष्ण नाम, बोले कृष्ण नाम दे करके ही दया करनी चाहिए। इसलिए जगत में भूरिदा जना, जगत में सबसे बड़ा दान है कृष्ण भक्ति को जो प्रदान करते हैं, कृष्ण नाम को जो देते हैं, ये सबसे बड़ा दया है। इसलिए बोले भारत भूमि तो है ल मनुष्य जन्म जार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। जिनको ये भारत भूमि में जिनको जन्म मिला है, हैं क्या करो, भारत भूमि तो है मनुष्य जन्म जार, क्योंकि जो भारत भूमि है ना, ये भारत भूमि को पुण्य भूमि मानी जाती है, इसलिए इसका नाम भारत, भा मतलब प्रकाश, रथ मतलब प्रकाश का तरफ में जो रथ रहते हैं, इसलिए हमारे नारद सब जगह में घूमे लेकिन संतोष नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहाँ पर आए, वृंदावन में आए, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी ये जितने पवित्र नदी ना, कहीं विदेश में जाकर कहीं नहीं मिलेगा आपको। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया कहाँ पर है, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ पर है, यही पर है, सबके सब धाम, सबके सब भारत भूमि में है। और रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी और वृंदावन, कहती ये कहाँ पर है, ये भारत भूमि में है। इसे जो भारत भूमि में है ना, भागवत में बताए देवता लोग भी ये भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। बोले देवता लोग की बात छोड़ दो, सत्य त्रेतया द्वापर और कली, सत्य त्रेतया द्वापर और कली, ये चार युग, जो जो सत्य त्रेतया द्वापर युग का लोग भी कली युग में कहाँ पर जन्म लेना चाहते, बोले भारत में, ये मानव शरीर लेना चाहते हैं। इसलिए कहते भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जिसको ये भारत भूमि में जन्म ग्रहण किया तो पर क्या करने चाहिए, जीवन सार्थक करी कर परोपकार। कहते पहले क्या करना पड़ेगा, कहते अपना जीवन को पहले सार्थक करना पड़ेगा, मतलब पहले खुद को भक्ति करना पड़ेगा है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते आचरण विहीन है जो प्रचार है वो कर्मांग अंतर्गत है। अगर अपना जीवन में खुद हरिनाम में निष्ठा नहीं, खुद भगवान की भजन भक्ति में निष्ठा नहीं, फिर तो हम केवल दूसरों को बोलने के लिए कोशिश करके तो कर्म हो जाता है, हैं। इसलिए जिसकी आचरण जितना अच्छा होगा, जिसका आचरण जितना दृढ़ होगा आचरण, कहते उसका प्रचार भी उतना बढ़िया होता है, और उसको प्रचार का जो फल है ना वो भी उतना प्रभावती होता है। अगर जीवन में जैसे कोई जैसे रसगुल्ला है, अगर आप बोलो भैया रसगुल्ला बहुत मीठा है, लेकिन हमें सुना रसगुल्ला बड़ा मीठा है लेकिन कभी खाए ही नहीं हैं, कभी खाए नहीं, तब जो बोलेगा ना रसगुल्ला कैसे, बोला हाँ बहुत मीठा है, लेकिन जो व्यक्ति रसगुल्ला खाया है ना, बोलो भैया रसगुल्ला कैसे, हे रसगुल्ला क्या मीठा, बोलते मुँह से पानी टपकना पड़ेगा, लाल आ जाए, क्यों, उसे खाया है ना,
कहते उसी तरह कृष्ण नाम में बड़ा मीठा है, कृष्ण नाम अमृत है, लेकिन ये चीज अनुभूति का होगा। कहते जब भजन करेंगे स्वयं कृष्ण नाम करेंगे, इसलिए यहाँ पर कहते पहले जीवन को सार्थक करनी चाहिए, मतलब पहले अपना साधन भजन को दृढ़ होनी चाहिए, अपना साधन भजन फिर उसका जो प्रचार है उतना प्रभुवान। देखो प्रभुपाद ने पहले उन्होंने दिन में 3-3 लाख हरिनाम प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद ने भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी पहले ब्रज में बड़े साधन भजन किए हैं, और हमारे भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज हैं दिन में 3-3 लाख महाराज पहले दिन में 2-2 लाख हरिनाम भजन करने से पहले सवेरे 1 लाख हरिनाम महाराज की पूरी हो जाती थी हैं, 1 लाख हरिनाम पूरी हो जाती थी। इसलिए इनकी प्रचार जगत में इतना क्यों हुआ, कारण है ये सबके सब आचरणशील थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जितने हैं कहते ये जो वैष्णव लोग जो आते हैं, बोले किस लिए वैष्णव लोग आते हैं, कहते अपना स्वार्थ के लिए क्या आते हैं, बोले अपना स्वार्थ के लिए वैष्णव लोग नहीं आते हैं, केवल दूसरों को कल्याण करने के लिए आते हैं। इसलिए वैष्णव से हमें क्या मांगनी चाहिए, कहते उनको पास में कृष्ण भजन कृष्ण भक्ति उनसे हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसलिए जब 88,000 ऋषि लोग वहाँ पर आए और श्री परीक्षित महाराज देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मेरा आज तो भाग्य जग गया, तब उन्होंने और सबसे प्रश्न किया, बोले आप लोग कृपा करके बोलो, बोले अद्य वा अब्द संतान तेवा प्राणी वही मृत्यु नाम ध्रुव, कहते आज जो हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, एक दिन सबको सब मरना, इस जगत में कोई नहीं कह सकता मैं नहीं मरूंगा, इसलिए आज नहीं तो परसों नहीं तो बरसों सबको मरना पड़ेगा, इसलिए आप कृपा करके बताओ ये जीव का परम कल्याण कैसे होगा, जीव का परम मंगल कैसे होगा। जब उन्होंने ये प्रश्न की, लेकिन वहां पर तो बोले नासो मुनि जस्य मतम न भिन्नम, वहां पर ऐसे कोई ऋषि मुनि थे नहीं जिसका मत ही अलग नहीं था, वो जैसे जैसे लोग बैठे हुए थे ना वो ठीक, किसने कहा भैया हैं कहते अपना कोई बोले बोले यज्ञ करो, बोले कोई तपस्या करो, कोई बोले दान करो, कोई बोले ध्यान करो, कोई बोले जप करो, कोई बोले भगवत स्मरण करो, सबके सब अलग अलग बात कर रहे थे। कई कई तो कथाकार लोग कहते हैं किसने कहा है एक काम करो नवरात्रि करो, बोले भैया हमारे पास में 7 दिन तो नवरात्रि करे हो, किसने कहा मृत्युंजय पाठ, बोले भैया वो भी 30-35-29-49 दिन है, हमारे पास में केवल 7 दिन ही है। वो सबके सब अलग 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 सब बात करने लग गए। जब बात करने लग गए वो जैसे जैसे मुनि रोकते जाग यज्ञ तपस्या के लिए अलग अलग बात की, इन्होंने देखा का बरसा जब कृषि सुखाई, ये लोग सबके सब अलग 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 बात कर रहे हैं, लगता है ये तो फिर अलग एक ऋषि का तो अभिशाप लगा, लगता है ये एक ही अभिशाप है, क्योंकि अगर एक का बात नहीं सुन करके सबका बात नहीं सुन करके एक बात करो ना, बोले मैं क्या काम हूँ हैं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी इसकी बात सुन, इसलिए बोले ये तो एक ही ब्रह्मशाप लग रहा है। लेकिन यद्यपि इन लोगों ने शास्त्रार्थ में लग गई, अलग 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 युक्ति तर्क अपना आपस में युक्ति तर्क करना शुरू कर दिया। परीक्षित महाराज ने देखा ये यद्यपि ये शास्त्रार्थ करते 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 ये एक सिद्धांत पर सबको पहुंचना पड़ेगा, जितने सारे शास्त्र को मंथन करो वो एक चीज तो निकलेगा ना, श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जगत में कोई अभय पाना चाहते हैं उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए, स्मरण करनी चाहिए, यद्यपि लास्ट में जा करके एक ही सिद्धांत में पहुंचना उनको पड़ेगा, लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाई है, वो भैया वो बारिश का क्या दाम है जब कृषि खत्म हो गई है, मतलब मेरे पास में कुल 7 दिन ही है, ज्यादा समय है ही नहीं, लेकिन अगर ये लोग ऐसे शास्त्रार्थ करते करते अगर समय खत्म हो गया, गया सर। इतने में उन्होंने ठाकुर जी के चरण में भगवान के चरण में उन्होंने शरणागत हो गए, बोले हे ठाकुर जी आप ही मेरे को मातृ गर्भ में आप ही रक्षा किया है, इसलिए मेरे मन में केवल एक इच्छा कोई इच्छा नहीं, केवल 7 दिन तक
आपकी कथा सुनते 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 मेरी ये 7 दिन जैसे बीत जाए, आप इसके लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर दो। जब उन्होंने इतना उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करते ही भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी वहाँ प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की। इसलिए कहते तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रा जद्रिछयागा मटमानोपक्षम अलक्ष लिंग निज लाभ तुष्ट वृतस्य बालैरवधूत वेशम। श्री सुखदेव गोस्वामी का क्या उनकी हैं उनकी क्रियाकलाप का क्या था यहाँ पर वर्णना कर रहे। बोले तत्र भगवान व्यास पुत्रा जद्रिछया गामटमान अपेक्षम। कहते श्री व्यास देव का पुत्र जी सुखदेव गोस्वामी हैं, कहते अलग स लिंग निज लाभ तुष्ट, उनका जो शरीर में कौन सा लक्षण था हैं, कहते ये 16 साल के कई 12 साल कई 16 साल के आते हैं। कहते कभी कभी कृष्ण प्रेम तो हंस रहे थे हंस रहे, कभी नाच रहे थे नाच रहे हैं, कभी रेती के ऊपर में कभी लौट बोट उखा रहे थे कभी लौट बोट उखा रहे। बोले दो अष्ट बरसम, मतलब यहाँ पर कहते 16 साल यहाँ पर बताया है हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम में एकदम उन्माद होते हुए आ रहे हैं। इतने में जो बच्चे लोग थे ना, बोले भैया ये तो कोई पागल लगता है, इसलिए क्या कर उनके ऊपर में धूल झोंक रहे थे। हाँ जैसे बच्चे लोग होते ना किसी को देखने पर हाउ करते करते चलते हैं, इसलिए इनको पीछे पीछे बच्चे भी सब कैसे चल रहे थे। लेकिन जब स्त्रियाँ जब इनकी रूप को देख रही थी, लेकिन वो तो अद्भुत सुंदर थे, स्त्रियाँ सोच रही थी हाय रे इतने सुंदर, लगता है ये कोई पागल हो गया है। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते ना हैं, जिस समय भावावस्था आता है भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं हमारे विषय पागल बोलिया अंकित दिवे के धोली। वो जो कृष्ण प्रेम भाव कृष्ण भाव है अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, कहते बड़े बड़े विद्वान भी जिनको समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी उनको समझ नहीं पाते हैं, अद्भुत उनको शरीर का क्रियाकलाप है हैं। ऐसे करते 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 जब नाश्ते कीर्तन करते हुए जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग थे, जब वहाँ पर पहुँचे, कहते ना जौहरी जौहरी चिन्ह, जो सोनार है वो सोने को कौन पहचान सकते हैं, सोनार ही सोने को पहचान सकते हैं, सब नहीं पहचान सकते ये चीज़ को। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया से आए, गया से जब महाप्रभु वापस आए, हंस रहे तो ठा हा 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 घंटे तक हंसते, रो रहे तो रो रहे हैं, चने जमीन पर लोट पुट खा रहे तक लोट पुट खा रहे। मैया क्या करती, सची मैया ब्राह्मी तेल को शरीर पर लगाती थी, लगता है मेरे बेटा को कोई सारी साथ गर्म हो गया, नारियल का पानी पिला रही थी और अलग अलग सब कर रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रही थी जो किया। लेकिन एक दिन श्रीवास पंडित आए, श्रीवास पंडित ये सब चीज को देख करके ना, श्रीवास पंडित कौन है, नारद है, ये नारद है। अभी उन्होंने देख करके जब सची मैया ने बोले बेटा पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया, दिन रात रो रहे, जब से गया से आया दिन रात कोई चैन नहीं, कभी उठता है गिरता है, ये क्या है। श्रीवास पंडित बोले बोले मैया ये बात और किसको बोलना नहीं, इसका शरीर में जो चिन्ह है ना ये तो महाभाव, ये तो कृष्ण प्रेम की, ये सारे स्वेद कंप अश्रु पुलक वैवर्ण ये सारे कृष्ण प्रेम का चिन्ह है, ये बात किसको बोलना नहीं, ये जो रोग है ना कह रहे उसको रोग नहीं, हम भी चाहते ये रोग हमें भी हो, ये रोग ब्रह्मा शंकर नारद भी ये रोग को प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको भी ये रोग नहीं होता है, हैं? हमारे बड़े भाग्यवान है जो कि महापुरुष के शरीर में जो चिन्ह, ये बात किसको बोलना नहीं। जब इतना बोले ना महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बोले श्रीवास अगर तू भी बोल देता मेरे को बाई का रोग है ना, आज मैं तो गंगा में छलांग लगाकर प्राण को त्याग दे देता, हैं? तूने मेरे को बचा दिया। इसलिए वहां पर, लेकिन जब प्रवेश किया वहां पर जितने ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे वहां पर कौन कौन थे, कहते व्यास पराशर नारद सब बड़े बड़े, इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी सब कैसे बैठे हुए थे। लेकिन जब इन्होंने प्रवेश किया इनको देख करके, इनके शरीर में जो प्रेम, वो प्रेम को देख करके समझ गए भैया ये कोई साधारण नहीं, यही सही प्रश्न का उत्तर यही देगा। लेकिन वहां पर जा करके सबको उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि उनके सबके सब गुरु जी के गुरु जी बैठे हुए थे,
इसलिए सबको उन्होंने जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए इन्होंने उनका आदेश को लेकर के व्यास आसन पर बैठी गई। जब व्यास आसन पर बैठी गए, इतने में श्री परीक्षित महाराज ने क्या की, प्रश्न की, उन्होंने झरी लगा दी। बोले अतः पृच्छामि संशयिनः योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्यं मृहमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् नृभि प्रभो स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यत् वा विपर्ययम्। उन्होंने पूरा प्रश्न की झड़ी लगा दी। जब प्रश्न की झड़ी लगा दी, तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित अभी भी मेरे शरीर से पसीना भी नहीं सूखा है। जैसे कोई व्यक्ति आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी चरण धोएंगे, चरणामृत लेंगे, उनको पानी देंगे, बैठाएंगे, हैं, फिर जब सुस्त होकर के बैठेंगे फिर जा कर के हम पूछते हैं, हैं भैया क्या बात, कहाँ से क्यों आए, लेकिन इस शरीर का पसीना भी नहीं सूखा, लेकिन तुम तो प्रश्न की संपूर्ण पूरा झरी तुमने लगा दी, बोले ऐसे क्यों। तब परीक्षित महाराज बोले, इसलिए मैंने प्रश्न की झरी लगा दी, मैंने मेरे को पता है आप जैसे जो साधु पुरुष किसी गृहस्थी व्यक्ति को घर में कितना समय तक टिकते हो। बोले गो दोहन करने में जितने समय लगता है उससे ज़्यादा समय तक आप कहीं नहीं टिकते हो, भगवत इच्छा से आए फिर उठ करके चल पड़ोगे। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न करके आपको मैंने बांध दिया है प्रश्न करके, क्योंकि अभी जब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे यहाँ से आप कभी नहीं जाओगे, इसलिए मैंने आपको प्रश्न करके मैंने बांध दिया है, हैं। जब उन्होंने ये बात को बताई, कहते यहाँ पर फिर प्रश्न होता है, वहाँ पर तो श्री सुखदेव गोस्वामी की पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिताजी थे, सबके सब 100 साल की, 150 साल की, 50, सब कितने उम्र, दाढ़ी जटा जूट और ये लंगे नंगे धड़ंगे, शरीर में कोई कपड़ा है नहीं, हैं, एकदम सबसे छोटा बच्चा है। लेकिन अभी प्रश्न होता है फिर इनसे ही ये कथा को क्यों सुने, लेकिन वहाँ पर तो बड़े 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 ऋषि लोग बैठे हुए थे। कारण क्या, बोले कारण है ये जो सुखदेव गोस्वामी कौन है, कितना प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते ये सुखदेव कोई साधारण सुखदेव नहीं, सुखपखी नहीं थे, कहते श्री राधा रानी को, हैं, राधा रानी को ये प्रिया सुख श्री सुखदेव गोस्वामी, इसलिए जिनके निकुंज में रहते थे, राधा रानी जिनके हाथ में डालमी की दाना खिलाया करती थी, जिनको कृष्ण मधुर कृष्ण नाम जो पाठ है उनको पढ़ाया करती थी, क्या श्लोक है, गड़ा अनुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्ण ति नाम मधुरम मृदु पाठ अंतम धीक माम अधन्य पखी चंचल जासी दोसास। वहाँ पर इस श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने राधा जी के हाथ से उड़ते उड़ते नंदगांव में चले गए, तो उसी समय में ये कह रहे, मेरे जीवन को अधिकार है, कहाँ राधा रानी अपना मेरे हाथ में बैठा करके अपना हाथों से अनार की दाना खिलाया करती थी, कितने मेरे को लाड़ प्यार करती थी, लेकिन चंचल जाति दो सास, चिड़िया लोग होता है ना चंचल जाती है, इसलिए एक से वहाँ एक से वहाँ उड़ कर चले जाते। कहा मैंने जहाँ किशोरी राधा रानी गाढ़ा अनुराग भर निर्भर भंगुराया, जो अत्यंत प्रेम में भर करके जो कृष्ण नाम जो हमें पढ़ाया करती थी, मैंने कहाँ राधा जी के प्यार को प्रेम को छोड़ करके मैं कहाँ वंचित तो होकर के इधर मैंने आ गया है, हैं। इसलिए वहाँ पर जो कृष्ण जो सुंदर, बोले दुरा भजन भरती ना, ये दो चार श्लोक बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। इसलिए राधा रानी कैसे कृष्ण विरह में कैसे उनने चार लाइन का कैसे के श्लोक राधा रानी बोली थी, और ये सुख ने वो चार लाइन श्लोक को उन्हें याद कर लिया था, और याद करते हुए बस नंदगांव में कैसे बड़े सुंदर ये श्लोक को बोला करता था, जिसको कृष्ण सुन करके बोले बाबा रे, एक तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है, हैं, और इतने मीठी मीठी शब्द से इतने संस्कृत सुंदर श्लोक बोलता है। फिर कृष्ण उसको बुलाया,
बुलाया तो वो उड़ते हुए कृष्ण को हाथ में बैठ गया। बोले बोलो देखिए अभी क्या बोल रहा था। फिर उनने चार लाइन का दुरा भजन वर्तिना रति रपत्रप भूयसी हैं। फिर उनने चार लाइन का श्लोक बोले, ये राधा रानी कह रही हैं मेरी जो प्रेम है ना ये कृष्ण का प्रति हो गया है, लेकिन ये कृष्ण तो साधारण व्यक्ति है ही नहीं हैं, ये तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है हैं, ये तो सारा दुनिया का मालिक, लेकिन अभी मेरा प्रेम तो कृष्ण के प्रति हो गया, लेकिन वो दुर्लभ पुरुष को मैं कैसे भी मैं प्राप्त कर सकती हूँ हैं। इसलिए कृष्ण जब ये श्लोक सुने उनके लिए उन्होंने सोने के पिंजरा बनवाए और उसके अंदर में तोते को उसमें धर दिया। और इधर क्या हुआ, अभी अभी राधा रानी अपना एक सखी को बोले देखो मेरे एक तोता था कहीं उड़ते हुए चला गया, देखो तो कहाँ तोता गया। वो घूमते घूमते जब नंदगांव में आया देखा कृष्ण अपना हाथ में बैठा करके बड़े प्यार कर रहे हैं, उसको अनार की दाना खिलाते हैं और बड़े उसको लाड़ लड़ा रहे ने। इतने में वो सखी ने बोली हैं, वो सखी ने बोली श्याम सुंदर ये जो तोता है हमारे श्री किशोर जी की पालता तोता, बोले अगर तुम्हारी पालता तोता तुम बुलाओ मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तुम्हारी हाथ में चला जाएगा फिर समझूगा भैया तुम्हारे तोता तुम लो जाना। बोले जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जो एक बार तुम्हारी हाथ में बैठे और तुम उसको प्रेम से खिलाओ उसको लाल लड़ाओ, जगत में तेरे कोई छोड़ सकता है, तेरा नाम ही कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या, विश्व ब्रह्मांड को जो आकर्षण करते हैं, कोई तुमको थोड़ी छोड़ सकता है। बोले फिर तुम जाओ अपना रास्ता देखो हैं। वो माधुरी का सखी मैया जसोदा को पास में जाती, बोले मैया राधा रानी की पालता तोता उड़ते हुए आ गया, श्याम सुंदर पकड़ लिया, देना नहीं चाहते। बोले कोई चिंता मत करो तुम चले जाओ, कृष्ण जब गैया चराने जाएगा पीछे से वो तोते को मैं भेज दूंगी। फिर मैया ने पीछे से वो तोते को उन्होंने भेज दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वहां पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हुए भी, लेकिन ये छोटे बालक से कथा क्यों सुने। बोले कारण है प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी की ये प्रिय सुख है। इसलिए जब उन्होंने प्रश्न की फिर वो क्या उत्तर देते हैं फिर हम इसको सुनेंगे कल। उन्होंने प्रश्न किया किया और इसका उत्तर किया है, हम इस चीज को कल सुनेंगे। वंशा कल कृपा सिंधु भाई बच पतिता नंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 बजा तुम हरे 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 राम। इसको इसको सिखाता नहीं क्यों डंडे मार के। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंद श्री शुक्र।